पानसिमल की युवती से काफी संचालक युवक ने झांसा देकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पानसिमल के ग्राम जलगौन की छात्रा जो कि बीकॉम की पढ़ाई करती थी, इसी दौरान एक कॉफी संचालक युवक जो कि शहादा निवासी है, जिसका नाम दिनेश चंपालाल जैन है, उसने युवती को शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों से दुष्कर्म किया और उसके द्वारा शादी का बोलने पर, शादी नहीं करने का बोलने पर उसे कई बार धमकियां दिनेश जैन द्वारा दी गई और लगातार कहता रहा कि मैं तेरी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा एवं उसके द्वारा दूसरी जगह शादी नहीं करने दूंगा, ऐसा सतत बोला जा रहा था। इसी को लेकर पीड़िता ने पानसिमल थाने पहुंचकर FIR करवाई गई, जिसके बाद थाना प्रभारी पानसिमल लाखन सिंह बघेल द्वारा मामला संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश करते हुए महाराष्ट्र के शहादा से गिरफ्तार किया है। पानसिमल से सरज चित्ते की रिपोर्ट। सर, जलगौन की छात्रा का दुष्कर्म का मामला सामने आया, सर क्या है पूरा घटनाक्रम? दिनांक 26/3 को जलगौन के फरियादी ने सूचना दी कि उसकी बालिका शहादा में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान वहीं पर पढ़ने वाले दिनेश पिता चंपालाल जैन, जो शीप एंड स्नेक कॉफी हाउस का संचालक है, उसके द्वारा उसकी बालिका के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसके द्वारा शादी से मना कर दिया एवं फरियादी की लड़की का ना तो दूसरी जगह रिश्ता होने दे रहा था एवं उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था तथा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर युवती ने थाना पानसिमल में प्रकरण दर्ज कराया था, जिस पर से दिनेश पिता चंपालाल जैन के विरुद्ध 363, 366, 376, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसे कल शहादा उसकी काफी हाउस से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, कितने दिनों से परेशान कर रहा था छात्रा? ये विगत 2 साल से युवती को परेशान कर रहा था, ना तो युवती की दूसरी जगह कोई शादी का रिश्ता होने दे रहा था, ना ही उसको इधर उधर जाने से रोकता था एवं उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।